इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री का आज तक बड़ा बुरा हाल है। वैसे तो ग्लोबल मार्केट ही डाउन है, बट स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हो पिछले 7-8 महीनों से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। टैक्स वाला इशू है, TDS है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिर गई है। एक्सचेंजेस को बड़े इशू आ रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज आप जानते हो नहीं है। सो काफ़ी सारे इशूज इकट्ठे हो गए, बट इस बुरे वक्त में इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री को 5G का बड़ा सहारा मिल सकता है। एंड 5G की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। As you know, 5G इंडिया में लॉन्च हो गया, बट पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट इट कुड बी अ लाइफलाइन फॉर द ब्रोकन क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया। क्रिप्टो और 5G में ये कनेक्शन क्या है, क्रिप्टो पर 5G का क्या इंपैक्ट होगा, कैसे 5G क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, आज आपसे इसी पर बात कर रहा हूं। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, एंड इस पर डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ है क्रिप्टो फर्म साइफर कैपिटल के CEO विनीत पुड़की। विनीत से क्रिप्टो और 5G के कनेक्शन पर तो बात करेंगे ही, जानेंगे ही, साथ ही क्रिप्टो मार्केट से जुड़े जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो भी जानेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो मार्केट में नेक्स्ट बुल रन कब तक एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी विनीत से बात करेंगे। हाय विनीत, वेलकम टू अनकट। सबसे पहले आपसे मैं इस वक्त का सबसे बर्निंग क्वेश्चन करूंगा, जो व्यूअर्स सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं, हमेशा पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन अडॉप्शन की तो बात हर कोई कर रहा है, पर मार्केट जो है वो लगातार नीचे जा रही है। बिटकॉइन, इथेरियम, आप सब कुछ देख लें, सब कुछ नीचे। सो ऐसा क्यों हो रहा है, आगे मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस है? सर, दो रीजन से। जब लास्ट वाला बुल रन हुआ था तब स्पेकुलेटर्स आना शुरू हो गया। मैंने काफी ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने इवन इंडिया में, बॉम्बे में, अंकल और आंटी लोग, दे वर बाइंग क्रिप्टो विदाउट अंडरस्टैंडिंग करता क्या है। सो क्या होता है, पहले जो है यूजर अडॉप्शन आता है, ग्रोथ आता है, और फिर उसके बाद ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं कि बिटकॉइन क्या है या इथेरियम क्या है। जैसे आपने अभी इथेरियम का नाम लिया, आधा से ज्यादा दुनिया यही नहीं जानती कि इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, विच इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आसानी से कोई भी लेंडिंग बोरिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कुछ वो लोग इसलिए ही खरीदते हैं क्योंकि अंकल ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली, अगर आप ग्लोबली देखें तो वी आर इन अ बेयर मार्केट सिचुएशन। क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई हो गई है, US ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिया, मार्केट से कैश जाना शुरू हो गया है। अब मार्केट से जब कैश जाना शुरू होता है तो एसेट्स हमेशा डिफ्लेट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में कुछ नया हो रहा है। स्टॉक मार्केट्स में आज की डेट में 25-28% US में डाउनफॉल आ गया है, सिमिलरली क्रिप्टो में भी। और क्रिप्टो के विंटर्स हमेशा, अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 10 साल का, तो हर 4 साल में एक विंटर आता है जहां पे 70-80% ड्रॉप आया है, एंड देन हाफिंग, बिटकॉइन की जो हाफिंग बोलते हैं उससे 18 महीने पहले वापस ट्रेंड शुरू होता है, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स गोइंग बैक अप। सो इट्स नथिंग न्यू, वी हैव सीन 2-3 साइकल्स ऑलरेडी, and I would advise this is actually the right time to get in, but it's not about buying because I told you to buy something, it is about buying with research ki kya khareedna hai, matlab Google ka share khareede ya kya kehte hai aisa company ka share khareede jo kisi ne suni bhi nahi hai, to aapko research karna padega and then definitely deploy. aaj ki date pe jo bitcoin crypto mein jata hai, I don't think he will regret it in the next 10 years. विनीत, आगे कब तक स्टेबिलिटी हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है? लोगों का यही कंसर्न है कि पुराने दिन जो वो कब वापस आ सकते हैं। सो इफ यू कैन आल्सो एड्रेस दिस अगेन, वापस हम लोग स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, बट सी, US में आज की डेट में इस इन्फ्लेशन 8.3% का नंबर आया है, विच वॉज हायर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट मंथ फेड की मीटिंग है जिधर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, 75-100 basis points की बात हो रही है, और नवंबर तो फिर भी डरावना है, दिसंबर और डरावना होने वाला है क्योंकि इंटरेस्ट रेट आने वाला है, इन्फ्लेशन फिगर आने वाला है, और यूरोप में सर्दी आने वाली है और गैस सप्लाई खत्म होने वाली है। यूरोप के जो गैस रिजर्व्स है दिसंबर एंड में खत्म होने वाला है। तो आई थिंक दिसंबर तक वी विल सी अ लॉट मोर डाउनवर्ड ट्रेंड, बट यू नो वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट्स गेटिंग इनटू कंट्रोल, ईजिंग होगी US में, जो कि 6 महीना लग सकता है, 9 महीना लग सकता है, एंड देन एसेट्स, नॉट जस्ट क्रिप्टो एसेट्स, स्टॉक मार्केट्स, अगेन आई नो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट गेम राइट नाउ, इंडिया इज गोइंग ऑन अ बुलिश मोड, बट हमें ग्लोबली देखना पड़ेगा बिकॉज क्रिप्टो इज ऑल्सो अ ग्लोबल इंडस्ट्री। सो आई थिंक पोस्ट Q2, Q3 यू विल सी अ मूवमेंट, बट हिस्टोरिकली आप देख लीजिए, डेटा पॉइंट है इस पे, बिटकॉइन की हाफिंग जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 मार्च अप्रैल में, उसके बाद मार्केट्स गो ऑन अ मच मोर पैराबोलिक नोट। ये आज नहीं, पिछले 2 बारियों से हो चुका है। तो आई थिंक 6-9 महीना वी विल सी सम मूवमेंट एंड देन डेफिनेटली दोस अगेन ऑल टाइम हाईज, व्हिच आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, बट इट इज गोइंग टू बी मच हायर देन दोस 60 एंड 70,000 डॉलर्स।
फाइन विनीत, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ विनीत, स्पेसिफिकली अगर इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर इस वक्त क्रिप्टो को लेकर क्या चल रहा है? यहाँ टैक्सेशन है, TDS हमने देखा, बैंकिंग सर्विसेज नहीं है क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स के पास, मतलब सभी इश्यूज जो है वो एक साथ आ गए। सो आगे आप इंडिया, इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक्चुअली में कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हम क्रिप्टो की बात करें तो इधर दो एंगल होते हैं, एक बिल्डर के साइड से और एक स्पेकुलेटर के साइड से। बिल्डर मतलब स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो आज तक हमेशा जब भी उनको पैसे चाहिए थे एक स्टार्टअप को स्केल अप करने के लिए, तो नॉर्मली इक्विटी के थ्रू एक VC या एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसे रेज करते थे, दे वुड बिल्ड अ कंपनी। अब क्रिप्टो में क्या हो रहा है, काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स पैसे रेज कर रहे हैं थ्रू टोकन्स। टोकन्स बेसिकली इज नॉट ओनरशिप टू द कंपनी, बट अ वे टू यूज द प्लेटफॉर्म एंड लाइक जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सो दे आर बेसिकली सेलिंग दैट। सो अगर हम सिर्फ एक स्टार्टअप के एंगल से देखें तो आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू वेयर पीपल शुड से अबाउट इट, बट अगेन व्हेन यू लुक एट मिनिस्टर्स एंड स्टफ, दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज वर्किंग। और सिमिलरली जब स्टार्टअप में एंजल टैक्स आया था तो काफी कमेंट आए थे जहां पे टैक्सेशन के इश्यूज आए थे, तो ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं है स्टार्टअप इंडस्ट्री में। नाउ दूसरा एंगल जहां पे काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है वो स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे काफी लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं क्योंकि वो कल 10 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। आपको मुझे काफी इंडिया के लीडिंग वेबसाइट्स में भी दिखा था कि वो लोग ऐसे टोकन्स के बारे में बात कर रहे थे जो 10,000 गुना दिन में हो गया विदाउट एनी रिसर्च अबाउट इट। तो एक गवर्नमेंट का हमेशा काम होता है कि वो रेगुलेट करे किसी मार्केट को, उनको नहीं चाहिए कि जैसे स्टॉक मार्केट्स में जब जब क्रैश हुए और लोग छतों पे चढ़ के जंप करना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा क्रिप्टो में हो। सो इसलिए दे ट्राई टू रेगुलेट इट अ बिट। फाइनली आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने दूसरी कुछ गवर्नमेंट्स जिनके साथ हम लोग बात करते रहते देखा, इज अ वे टू ट्रांसफर मनी विदाउट कंट्रोल। मतलब अगर आपको इंडिया से पैसे ट्रांसफर करने से US, तो आप क्रिप्टो में ट्रांसफर करते हो विदाउट गोइंग थ्रू अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली अ कंसर्न एंड डिफरेंट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन इट। बट स्पेसिफिकली एज अ VC अगर हम बात करें बिल्डर साइड में, जहाँ पे स्टार्टअप्स अमेजिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट हैज अ ग्रेट फ्यूचर। इंडिया में अगर आप क्रिप्टो के अडॉप्शन देखें तो बैंकिंग इज अ बिग अडॉप्शन। आज की डेट में अगर आपके पास एक करोड़ का घर है और बैंक लोन चाहिए तो 3 महीने लग जाते हैं लोन लेने के लिए, बट क्रिप्टो में DeFi में सेम 1 करोड़ के बिटकॉइन पे आपको लेस देन 5 मिनट में एक लोन मिल सकता है। तो बेसिकली इट हैज एप्लीकेशंस इन बैंकिंग, इंश्योरेंस में एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में एप्लीकेशन, लॉजिस्टिक्स में एप्लीकेशन है। तो आई थिंक इट इज वेरी नेसेंट, बट बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट एंड इंडिया इज अ बिग टेक मार्केट एज वेल, बोथ बिल्डर साइड से और कंजम्पशन साइड से, 2030 में आपको ब्लॉकचेन के जलवे दिखेंगे। वरी जो 30% टैक्स है क्रिप्टो पर एंड फिर TDS भी है, सो इसको एज अ स्टेक होल्डर क्या आप ज़्यादा समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर कुछ सोचना चाहिए? जो लोग क्रिप्टो मार्केट में मतलब कुछ वक्त से हैं, पिछले 2-3 साल से आए उससे, तो वो इससे बड़े अपसेट हैं। व्हाट डू थिंक अबाउट इट? आई थिंक कहीं पे मैंने पढ़ा था, आई कैन नॉट वेरीफाई इट, बट क्रिप्टो को गैम्बलिंग की तरह देखा जा रहा है, विच इज मेरे ओपिनियन में कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज क्रिप्टो इज अ वे A startup is raising capital to build something. तो अगर आप उसको gambling के साथ connect करेंगे तो it's not the right connection, और उसकी तरह tax करेंगे is not the right connection. But इसका एक positive भी है. So basically जब ये regulation आया तब government of India ने clear कर दिया कि crypto is not illegal. तो आपने देखा था कि this had a big effect on the market, because today the government of India recognizes कि क्रिप्टो इज अ लीगल थिंग दैट यू नो पीपल कैन वर्क ऑन इट। बट 30% टैक्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा US में माइकल सेलर ने इस पे बहुत अच्छा कमेंट दिया था, जब US ने बोला था हम 50-60% टैक्स करेंगे, तो उसने कहा कि मैं किसी बोट में जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, सारा क्रिप्टो खो जाएगा। तो सी करना वो चाहिए जो जेन्युइन हो, यू नो पीपल आर ऑलवेज हैप्पी टू पे टैक्सेस, मतलब 10-15% is right amount. जो आप stocks में लगाते हैं, जो आप normal instruments में, real estate में लगाते हैं, why should crypto be treated any different? You know, a person earned because he's early in the technology should not mean that he should pay through his nose की भैया जल्दी आ गए तो ज़्यादा pay करना पड़ेगा। तो I don't fully agree, but again, government has to also deploy taxes. ओके विनीत, इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात कर रही है, काफी वक्त से कर रही है एक्चुअली, सो कब तक क्रिप्टो पर रेगुलेशंस हम यहाँ पर देख सकते हैं और उनमें क्या हो सकता है? लेकिन 1970s-80s में जब इंडियन स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स आए थे जिसका ना कोई चेक था ना कोई बैलेंस था,
तब भी क्वेश्चंस हो रहे थे कि स्टॉक मार्केट्स कब रेगुलेट होंगे। नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट किसी चीज को तब रेगुलेट करती है जब वो उसके मासेस को इफेक्ट करता है। आज की डेट में क्रिप्टो का एडॉप्शन जो है वर्ल्ड में ग्लोबली इज लेस देन 3%। 300 मिलियन वॉलेट है विच इज 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इंडिया में भी इट्स अ स्मॉल नंबर। तो जब लोग बोलते हैं कि इसका रेगुलेशन बाय ईयर एंड हो जाएगा या डेढ़ साल में दो साल में होगा, आई थिंक फुल रेगुलेशन काफी दूर है। जब तक इसका मास एडॉप्शन नहीं होता, इट्स नॉट, मतलब 1% पॉपुलेशन के लिए आप रूल्स और रेगुलेशंस यूजुअली नहीं बनाते। बट होपफुली यू नो, जैसे आपने देखा है लास्ट 10 साल में गवर्नमेंट हैज बीन फॉरवर्ड थिंकिंग, दे हैव काफी सारे नए इनिशिएटिव्स निकाले हैं। तो होपफुली यू नो वी से दैट फास्ट ट्रैक हो जाएगा, बट इतना जल्दी 6 महीने और 1 साल में मुझे नहीं लगता इसके रेगुलेशन आएंगे। टैक्सेशन और बाकी चीजें डेफिनेटली हो रही हैं, बट दैट इज नॉट फुली रेगुलेटिंग अ क्रिप्टो इकोनॉमी। फाइन विनीत, वी होप कि जल्द ही सब चीजें नॉर्मलाइज हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5G एंड क्रिप्टो। सो एक आम यूजर के लिए 5G का मतलब है उसके फोन की इंटरनेट स्पीड वो जो बढ़ जाएगी, वीडियो जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी, वीडियो कॉल में लैग नहीं होगा, ये सब। एंड क्रिप्टो इज एंटायरली डिफरेंट थिंग फॉर देम। सो क्रिप्टो और 5G में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, आप जरा समझाएं कि कैसे 5G कनेक्टिविटी क्रिप्टो को बदल सकती है। देखिए, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट 3 फेजेस में चला है आज तक। 1 वाज वेब 1.0। वेब 1.0 में क्या हो रहा था, एक वेबसाइट का ओनर एक वेबसाइट डालता था और आप उसको रीड कर सकते थे। तो इट वाज सिर्फ रीड पढ़ने वाला इंटरनेट, जिसमें याहू जैसी कंपनियां आई, एंजल फायर जैसी कंपनियां आई, जो एक प्लेटफॉर्म बनाते थे, आप जाके उसको ब्राउज करते थे, देखते थे, न्यूज पढ़ते थे, कुछ भी कर सकते। तो इट वॉज ओनली रीड ओनली। फिर वेब 2.0 आया था जिसमें आप रीड कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे। ब्लॉगर जैसी वेबसाइट्स आई, फेसबुक जैसी वेबसाइट्स आई, कंटेंट क्रिएशन वेबसाइट्स आई लाइक यूट्यूब। इसमें यूजर एंगेजमेंट सिर्फ एक वेबमास्टर इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एक यूजर भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली यूजर जनरेटेड कंटेंट बना रहा था। अब जो वेब 3.0 और क्रिप्टो ब्लॉकचेन बोला जा रहा है, इट इज रीड राइट ओन एंड अर्न। पॉइंट ये है, अगर आपने टिकटॉक का एक वीडियो ऊपर डाला है, आपके पास इसकी ओनरशिप है, डोंट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम इट। तो इसलिए डेटा बिकम्स वेरी क्रिटिकल, डेटा स्पीड लेटेंसी बिकम वेरी क्रिटिकल इन द ब्लॉकचेन स्पेस। आप अगर एक एग्जांपल दूं, वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी वर इवैल्यूएटिंग, उसमें क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ियों से कंटिन्यूअस यूसेज डेटा जनरेट होता है, मतलब जिसको सपोज मारुति यूज कर सकता है या मर्सिडीज यूज कर सकता है गाड़ियां इंप्रूव करने के लिए। बट हर गाड़ी इंडिपेंडेंट है, मतलब मेरे अंडर कोई गाड़ी है वो मेरे पास ही है, देयर इज नो वे इसका डेटा कहीं शेयर हो, अंटिल आप उसको जब सर्विसिंग कराने जाते हैं तब डेटा मिलता है। अब इमेजिन करिए, ये कंपनी वर्ल्ड के काफी सारी गाड़ियों में ऐसे डिवाइसेस फिट करेंगे जो कंटिन्यूअस यूसेज डेटा एक सेंट्रल सर्वर में देता रहेगा, और हर गाड़ी का ओनर पैसे कमाएगा ऐसे, बिकॉज डेटा तो उसका है। और जब ऐसा डेटा ट्रांसफर होने वाला है डिफरेंट चीजों में, IoT, इसको भी कभी कभी IoT भी बोलते हैं, तो डेटा की स्पीड डेफिनेटली क्रिटिकल हो जाती है, डेटा का यूसेज काफी क्रिटिकल हो जाता है। इधर आई थिंक 5G का ह्यूज ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब हमने अगर टिकटॉक का डेटा देखा और इंस्टाग्राम का डेटा देखा है, तो ब्लॉकचेन इससे ज्यादा डेटा देगा, बिकॉज पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न थ्रू डेटा दैट दे वांट। So definitely, I think it will really, there's a strong correlation and it will, you know, both of them are helpful to each other in the long term. Vineet, आपने कहा कि 5G and crypto both will help each other in the long term. So वो क्या benefits होंगे जो 5G की वजह से crypto industry को या फिर blockchain technology को होंगे? सिर्फ फायदा क्या होता है, नॉर्मली जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, जब एक वेबसाइट बनाते हैं, अगर आपको याद है आज से 10-12 साल पहले सिंगल पेज वेबसाइट्स आती थी और 356 के बीपीएस के राउटर्स होते थे जस्ट, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। हमने केस देखा था, आई डोंट नो अगर आपको याद होगा, एक वेबसाइट आई थी जिसका नाम था सेकेंड लाइफ। ये एक मेटावर्स था जहाँ पे काफी सारे कंपनियों ने रीबॉक वगैरह ले भी लैंड खरीदे हुए थे और ये लोग अपने मीटिंग कर रहे थे। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, कभी कभी क्या होता है, चीजें टाइम से पहले आ जाती हैं। अब उसके लिए डेटा भी तो, स्पीड भी तो ऐसी होनी चाहिए थी कि वो सेकंड लाइफ कोई खोल सके और उसको यूज कर सके। तो जब हम आज की डेट में आते हैं और 5G स्पीड्स पे आते हैं, तो दीज आर द एडवांटेजेस दैट 5G गेट्स टू ब्लॉकचेन। आज के डेट में मेटावर्स के काफी एप्लीकेशन बन रहे हैं। मेटावर्स भी काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है कि कोई कंप्यूटर में कैसे बैठा रहेगा। बट लास्ट टाइम मैं इंडिया गया था अपने ब्रदर के घर, तो एवरीवन वाज इनसाइड द फोन, आई वुड से कोई, मतलब हमें देखा ही नहीं मैंने लाइफ में ऐसे कि कोई बात नहीं कर रहा, सब गुस्से हुए फोन में। तो ऐसे केसेस में जब लोग मेटावर्स में रहना शुरू कर दिए हैं, लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में, टिकटॉक में लगा रहे हैं, तो
स्पीड्स आर डेफिनेटली क्रिटिकल एक यूजर एक्सपीरियंस परस्पेक्टिव से. 5G विल गिव ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस एनहांसमेंट टू दीज पीपल एंड दैट्स वेयर यू नो एडॉप्शन विल ग्रो. इवन स्टार्टअप्स में जो इनमें एप्लीकेशंस बना रहे हैं, क्योंकि अब वो छोटे 2 MB और 5 MB वाले ऐप तो आने स्लोली बंद हो जाएंगे. इट विल बी मच हायर डेटा यूसेज एप्स. I think 5G will definitely help and founders will find it quite fascinating to get faster internet speeds. Vineet, अब अगर Indian crypto exchanges की situation की तरफ हम देखें तो यहाँ पर banks अपनी services इनको नहीं दे रहे, provide नहीं कर पा रहे. So इसकी वजह क्या आपको लगती है? Banks के सामने क्या issues आ रहे हैं कि वो अपनी services इनको नहीं दे पा रहे? See again, technology नहीं है. So उसको समझने के लिए भी time लगता है और उसमें एडॉप्शन करने के लिए उसको मतलब एक गवर्नमेंट और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को उसमें ढलने में भी टाइम लगता है. आई रिमेम्बर मेरे साथ यूएस गवर्नमेंट के कंसल्स बैठे थे और दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो क्या है और उनको लगा कि क्रिप्टो एक वे ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है. बट टेक्निकली देखा जाए तो क्रिप्टो के प्लस केसेस भी और माइनस केसेस भी हैं. आज की डेट में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जहाँ पे करेंसीज कोलैप्स कर रही हैं वहां पे आप बिटकॉइन इज बिकमिंग अ वे जहां पे वो लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वहां पे इन लेंड और बोरो कर सकते हैं और सेफली कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोर्टेबल है. तो इंडिया में भी सेम चीज है. जब आप ये मतलब एक्सचेंजेस की बात करते हैं, जैसे अभी वजीर एक्स का केस आया था, बाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, यू नो नया है. मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से आता हूँ, मुझे याद है ईडी ने वन ऑफ द बिगेस्ट ओटीएस को भी इशू डाला था 1000 करोड़ का बहुत टाइम पहले, क्योंकि there was non-clarity of how taxes have to be paid. So I think, you know, these are smaller, early stage teething troubles jo dheere dheere industry mein regulate hongi, understand hongi kaise better kiya ja sakta hai. KYC norms aane shuru ho jayenge. Pehle koi kitna bhi amount trade kar leta tha without any form of check and balances. So I think give it some time. Matlab overnight sab kuch karna I think kisi government ke liye bhi possible nahi hai. What I love about at least the Indian government right now is ki try kar rahi hai. Matlab aapne Digital India initiatives dekha hai. I remember some time back PMO mein, actually PMO mein discussions ho rahe the what is BTC. At least try to kar rahe hain samajhne ke liye ki kya hai. Aur jab try karenge to dheere dheere samajh jayenge. जो मैंने अच्छा देखा है यूएई गवर्नमेंट के अंदर विच हैपेंड लाइक हम लोग अभी फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट में थे, वारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वर्चुअल एक्सेस रेगुलेटरी अथॉरिटी, दे गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स टू टॉक अबाउट इट. एंड इवन जो उन्होंने अपने अंदर हायर किए थे लोग, दे वर देर आर 3 पीपल विच दे हैव हायर, 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है. तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कंटेंट अच्छे से होता है और समझ आता है, रेगुलेशंस अच्छे से बनते हैं और दूसरों से बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलते हैं. तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स ऑन द राइट साइड. थोड़ा जल्दी करेंगे तो मैटिक जैसे, पॉलीगॉन जैसे $5 बिलियन कंपनियां इंडिया से बाहर नहीं जाएंगी और इंडिया में रहेंगी, विच इज अ बिग ब्रेन ड्रेन एज वेल एज वैल्यू ड्रेन. बट आई ट्रस्ट दे विल हैव अ लुक एट इट सीरियसली. मनीत, इंडिया से बाहर अगर हम देखें इस वक्त, तो आप ये समझाएं कि दूसरे देशों में क्रिप्टो को लेकर क्या माहौल है, वहाँ क्या चल रहा है? बिकॉज जो भी ग्लोबल स्पेस में क्रिप्टो को लेकर सिचुएशन है, उससे इंडिया में भी क्रिप्टो इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ना है. सी बाहर की कंट्रीज में एडॉप्शन इज स्ट्रांगली कमिंग थ्रू. सी बाहर की कंट्रीज में दोनों एस्पेक्ट अंडरस्टैंड किए जा रहे हैं आज की डेट में, कि एक बिल्डर एस्पेक्ट है और एक स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट है. यूएस में मियामी ने क्रिप्टो हब बना रखा है जहाँ पे सारे क्रिप्टो वाले लोग, में सैन फ्रांसिस्को में अगर टेक हब बोला जाता था तो मियामी में आज की डेट में टेक हब बनता जा रहा है. एनएफटी हब न्यूयॉर्क में बनता जा रहा है. पोर्चुगल ने एंट्री प्रोसेसेस स्लो कर दिए. लिस्बन में अगले 1 नवंबर में बड़े क्रिप्टो इवेंट्स होने वाले, इवेंट्स हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं. तो आई थिंक एवरीवन इज लुकिंग एट दुबई. आई थिंक दुबई हैज ऑलवेज बीन अमेजिंग. वो सबसे पहले कैच करता है और काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देता है. तो इधर भी काफी मूवमेंट्स हुए. आई थिंक 1 or 2 कंट्रीज में थोड़ा सा पुश बैक रहा है अगेंस्ट क्रिप्टो, बट मोस्टली अगर देखें ग्लोबली तो पीपल आर अडॉप्टिंग इट. फर्स्ट अडॉप्शन इन टर्म्स ऑफ सीइंग टू इट दैट बिल्डर्स कम, एंड सेकेंडली कुछ कंट्रीज में तो अडॉप्शन इवन यूसेज में आ रहा है. Latin American companies mein Bitcoin is being recognized as a way to transact and things like that. So I think that is coming. But I think aaj ki date mein China hi dekhen to usne ban kiya hua hai crypto ko as such, full fledged ban. But you know, everywhere else it's going positive. It's a way to transact.
ईरान हैज सीन टू इट दैट उसके जो पेमेंट्स होते हैं दे कैन ऑल्सो बी एक्नॉलेज्ड इन बीटीसी. तो पॉइंट इज यस, गवर्नमेंट्स आर अडॉप्टिंग टू इट एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग कि ये कितना बड़ा है, क्योंकि और उनका कंसर्न हमेशा ये है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी हमारे से जाके डिसेंट्रलाइज हो गई तो हमारे लिए क्या कंसर्न है. बट टेक्नोलॉजी है, कोई नहीं रोक सकता, बढ़ते जाएगी एंड इफ वैल्यू देती है लोगों को तो डेफिनेटली अडॉप्ट होगी. फाइन, थैंक्स विनीत, दिस रियली हैज बीन एन इंसाइटफुल डिस्कशन. सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने टच करने की कोशिश की आज. हमारे साथ जुड़े इस वीडियो में उसके लिए शुक्रिया. एंड व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप हमें लगातार भेजते रहें ताकि उन पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशंस करते रहें. आज के इस वीडियो में इतना ही. कीप वॉचिंग अनकट फॉर मोर क्रिप्टो रिलेटेड कॉन्टेंट.